हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे जेसो के बारे में। जेसो आखिर क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे बनता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या है जेसो को यूज़ किया जाता है कैनवस पे उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, जिससे वो कलर जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। तो आइए देखते हैं कि हम इजीली अपने घर पे जेसो कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी पाउडर, वाइट ग्लू, वाइट एक्रिलिक कलर और वाटर उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो जो कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए वो इडली के बैटर या केक के बैटर जैसी हमें बनानी है। तो आइए आज हम सीखेंगे घर पर बहुत ही इजी तरीके से जैसो बनाना। बिगिनर्स ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए अब सीख लेते हैं इसका मिक्सचर बनाने का तरीका। तो मिक्सचर हमें कैसे बनाना है और मिक्सचर को कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको ये जो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में कैनवास बनाकर दिखाए थे इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ फेविकॉल। फेविकॉल के बाद मैं लूँगी यहाँ पर हिमालय का बेबी पाउडर, ये कि जो कि एक्सपायर है, और वाइट एक्रीलिक कलर में लूँगी और इस बाउल में मैं डालकर ये मिक्स कर फिर इसको ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर फेविकॉल। आप देख सकते हैं कि मेरा फेविकॉल थोड़ा सा लिक्विडी है क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा वाटर मिला के रखा हुआ है। और इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप डालूंगी पाउडर का, और जो बेबी पाउडर हम लेंगे उसमें, और इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास इसमें वाइट एक्रीलिक कलर को ऐड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक पेस्ट जैसा बन गया है और अभी ये थोड़ा सा जो है धुंधला, यानी जो वाइट कलर है वो एकदम रॉयल वाइट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा धुंधलापन है उसमें। तो इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे एक्रिलिक कलर। एक्रिलिक कलर से इसमें वाइटनिंग आ जाएगी और एक बेस मिल जाएगा इसको, जो कैनवास पे इजीली अप्लाई हो पाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये वाइट कलर भी इसमें डाल लिया है और अब हम इसको भी मिक्स करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे अपने कैनवास के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं अभी एकदम रॉयल वाइट की तरह चमकने लगा है। तो अब ये मेरा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है और अब मैं इसको अपने जो इस पेस्ट जो बना है इसको अप्लाई करूँगी मैं अपने हैंडमेड कैनवास के ऊपर। तो आप ब्रश की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली जैसो करेगा क्या कि हमारा जो हैंडमेड जो कैनवास है उसको स्मूथ बना देगा और जो पेंट का जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो मतलब जो हमारा बुकरम है वो जो सोक करेगा हमारे कलर को, वो जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो सोक कम करेगा और शाइनी लुक थोड़ा सा आएगा। और जो ब्रश जब हम इसमें चलाएंगे तो वो थोड़ा स्मूथली रन करेगा। तो जेसो का बेसिकली सिर्फ ये काम है कि एक वो बेस दे देता है, बाकी आप बिना जेसो के भी इसको यूज़ कर सकते हैं कैनवास को, उससे भी आपके जो पेंटिंग है वो भी ब्यूटीफुल बनेगी। लेकिन जेसो का जो एक क्वेश्चन है वो बिगनर्स के माइंड में हमेशा रहता है कि आखिर जेसो है क्या, ये क्या मुझे ये परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि ये बिगनर्स के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है आप घर में इजीली बना सकते हैं और हर चीज़ का एक आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जब आप अच्छे से आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे ख्याल से, तब आपको पैसा जो है खर्च करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। उससे पहले आप अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें जितनी चाहें आप अपनी पेंटिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैनवास था वो पहले एक थोड़ा सा लाइट वाइट लग रहा था, लेकिन आप देखिए आप एक वो एकदम स्मूथ सा सरफेस उसका बनता जा रहा है। और इसको हमें ड्राई करना है ओवरनाइट, हमें इसको लगाने के बाद तुरंत पेंटिंग नहीं करनी है, हमें इसको 24 to 30 hours के लिए इसको ड्राई होने के लिए रखना है, उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। तब तक ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और एकदम ओरिजिनल कैनवास जो कि मार्केट में मिलते हैं उसकी तरह ये लगने लगेगा। तो अभी आप देखते हैं मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। आप इसको अपनी फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिंगर से भी आप इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि हमें स्ट्रोक्स नहीं चाहिए इसके अंदर, हमें बिल्कुल प्लेन एक स्मूथ सरफेस चाहिए। तो आप फिंगर से करें या ब्रश से करें वो आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप उससे कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अब आप इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, और इसके बाद आप इसको या तो वन डे के लिए, मेरे ख्याल से तो वन डे पूरा परफेक्ट है, 24 आवर के बाद ही अच्छा सेट हो जाएगा, और उसके बाद ही आप इसमें अपनी पेंटिंग करें, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो आई होप आपने इस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।